रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाई है, जिससे बढ़कर ये 4.4% हो गई है। इसको समझते हैं कि क्या होता है। जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगती है उसको रेपो रेट बोला जाता है। सिमिलरली जब आरबीआई के पास कोई कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस फंड रखता है तो उस पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट पे करता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है एंड एट प्रेजेंट ये 3.35% है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसका मेन यूज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में होता है। एज रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक्स को आरबीआई से लिए हुए लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो अपने एंड पर भी लोन रेट्स बढ़ा देते हैं। जैसे होम लोन, कार लोन सबके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। एंड साइमल्टेनियसली कमर्शियल बैंक्स अपने एफडी के रेट्स भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोग अपना एक्स्ट्रा फंड बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, सो दैट उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल पाए। एंड ऐसे ही मार्केट में कैश की लिक्विडिटी कम हो जाती है और महंगाई कंट्रोल की जाती है।